पालकोट वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार रात पालकोट थाना अंतर्गत पाकड़ताड़ स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य प्रक्षेत्र अंतर्गत लाइलोंगा सूखा सरोवर जंगल से चार बोटा एवं दो ट्रैक्टर बरामद किया है, जो अवैध रूप से लकड़ी कटाई कर ले जा रहे थे। इस संबंध में पालकोट के वनपाल कृष्णा महतो ने बताया कि बुधवार रात को गुप्त सूचना मिली थी कि लाइलोंगा जंगल में अवैध रूप से लकड़ी के बोटे की कटाई कर उसे ले जाया जा रहा है, जिस पर कृष्णा महतो के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने लाइलोंगा जंगल में छापेमारी की, जहां एक ट्रैक्टर में लदा तीन बोटा एवं जमीन में रखा एक बोटा बरामद हुआ। क्या मामला है सर? मामला यही है, कल हम लोग को रात में करीब 8 बजे सूचना मिला सूचना कि लाइलोंगा में साल बोटा कट के लोड हो रहा है गाड़ी में। हम लोग टीम तुरंत गठित करके यहाँ से निकले और गए तो वहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी में लोड हो रहा है, मतलब लोड हो गया और वहाँ आदमी कोई नहीं है। उसके बाद वहीं पर जो है देखे गाड़ी में कि लोड तीन, एक गाड़ी में तीन था, एक गाड़ी में एक था बोटा साल, तो हम लोग फिर उसको ले आए पालकोट। क्या लागत, क्या कीमत होगा सर इसका? लागत लगभग वही 20,000 आसपास। और इस तरह से जंगल का अवैध जो है माफिया के द्वारा दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह से पुनरावृत्ति ना हो। क्या नाम? अभी जो है फिर से एक टीम गठित करके वहाँ पर भेज रहे हैं इंक्वायरी के लिए, आसपास में और कहीं कटा हुआ है तो अगर होगा तो फिर उसको भी जब्त करके लाया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।